गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर इज़ क्लास 8th फॉर मैथ सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग माई ए वी, लेट अस टेक प्लेज. आई कमिट टू बी विलियंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today I will start exercise 4.2. So here we will find the square root of the given number. Square root का meaning बच्चे मैंने आपको last video में समझा दिया था. For example, square of 5. 5 square means 5 raised to power 2. We will multiply 5 2 times. 5 multiplied by 5 is 25. अब 25 किस number का square है? ठीक है, तो 25 का स्केयर रूट है 5. ठीक है, देन वी विल से स्केयर रूट ऑफ 25 इज 5. सो बच्चे, हेयर वी विल फाइंड द स्केयर रूट ऑफ अदर नंबर्स. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, वी विल हेयर फाइंड स्केयर रूट ऑफ 484 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लाइक हेयर क्वेश्चन इज 484. ठीक है, वी विल मेक द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. 484, चेक लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज बाय 2. ठीक है, 484 को बच्चे रफ वर्क में आपने डिवाइड करके देख लेना, इट विल गिव अस 442. देन अगेन लास्ट डिजिट इज 2. ठीक है, लास्ट डिजिट फिर 2 है, तो इसको भी बच्चे आपने डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, तो इट विल गिव अस 121. 121 बच्चे 11 का स्केयर है. ठीक है, वी विल डिवाइड दिस बाय 11, तो ये 11 वन ज़ा 11, 11 आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगेन वी विल डिवाइड दिस बाय 11, वी विल गेट आंसर 1. डिवाइड बच्चे आपने अपनी रफ कॉपी पे खुद करके देखना है. ठीक है, तो बच्चे जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक हमने ऐसे ही डिवीज़न करते जाना है. देन वी विल राइट 484, जो बच्चे इसके फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम्स 2 है, 11 टू टाइम्स है, इंटू 11 इंटू 11. ठीक है जी, अप टू हेयर अंडरस्टूड. फिर बच्चे हमने क्या करना है, इनके 2 2 के पेयर्स बनाने हैं. ठीक है, ये 2 हो गए सेम, इनका 1 पेयर हो गया. ठीक है, यहाँ पे बच्चे 11 का 1 पेयर हो गया. नाउ सबके पेयर बन गए ना, नथिंग इज लेफ्ट, तो ये परफेक्ट स्केयर है. ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट वीडियो पे. ठीक है, तो स्केयर रूट ऑफ 484, इस पेयर में से आपने 1 2 ले लेना, इस पेयर में से 1 11. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइड, 11 2 ज़ा 22, दिस विल बी द आंसर. ठीक है जी, पहले इस तरह बच्चे प्राइम फैक्टर बना लो, फिर उसके 2 2 के पेयर बना लो. ठीक है, तो टेक 1 नंबर फ्रॉम दैट पेयर, दूसरे में से 1 ले लो बच्चे, दैट विल गिव अस द आंसर. ठीक है, हेयर नेक्स्ट पार्ट इज 1156, इसे भी बच्चे सेम इसी तरह ही बना लो. ठीक है, अब इस पेयर में से 1 2 ले लिया. ठीक है, हेयर 17, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 34 इज द आंसर. और ये वाला साइन है बच्चे स्केयर रूट का. ठीक है, स्केयर के लिए तो हम पावर 2 लिख देते हैं, स्केयर रूट के लिए इस तरह अंडर रूट डालते हैं. ठीक है जी, क्लियर. तो बच्चे अदर पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस असाइनमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. बच्चे ऐसे ही हमने देख के बताना है कि इसका स्केयर कितना होगा. स्केयर, ठीक है, जैसे 45 स्केयर होगा, 45 रेज टू पावर 2. हेयर लास्ट डिजिट इज 5,
लास्ट डिजिट क्या है बच्चे? 5। तो स्केयर ऑफ 5, 5 का स्केयर क्या कर दो? 25। रिमेनिंग डिजिट इज 4, बाकी क्या बच गया यहाँ पे? 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 4 विद इट्स सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स 1 प्लस कर दो, 4 में 1 प्लस किया 5। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बच्चे? 20। तो 45 का स्केयर होगा 20 दिस वन, एंड लास्ट डिजिट का स्केयर होगा 25। लेट मी डू अदर सम। जैसे बच्चे है 55 का स्केयर, ठीक है, इसमें बच्चे हमने कैसे करना है? विदाउट मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही चेक करना। लास्ट डिजिट बच्चे क्या है? 5। 5 का स्केयर क्या होता है? 25। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी का डिजिट कौन सा बच गया? 5। 5 में 1 प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? 6। उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, इस जो नंबर बच गया वो लिखो, उससे एक ज़्यादा नंबर लिखो, उसका सक्सेसर ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30, तो यहाँ पे क्या आएगा? 30। तो 55 स्केयर हो गया बच्चे 3025। अगर आप 55 को 55 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये आंसर आपका आएगा। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। एक सम मैं और करवाती हूँ, 225। इसमें बच्चे लास्ट डिजिट क्या है? इसका स्केयर फाइंड करना है, लास्ट डिजिट 5। 5 का स्केयर बच्चे 25। अब कौन सा नंबर बच गया हमारे पास? 22। तो 22 लिखो, 22 का सक्सेसर कितना हो गया? 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 22 को मल्टीप्लाई करो 23 के साथ। 6 6 4 4 6 0 5, तो यहाँ पे लिख दो 506, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप 225 को 225 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,625। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। देन बच्चे अब आपने स्केयर रूट फाइंड करना है कि 625 किस नंबर का स्केयर है, ठीक है, इस पे स्केयर रूट वाला साइन डाल दो। लास्ट टू डिजिट इज 25, लास्ट इसमें हम 1 देखते थे स्केयर के लिए, लास्ट डिजिट इसमें लास्ट टू डिजिट 25। सो स्केयर रूट ऑफ 25 इज 5। 25 किसका स्केयर है बच्चे? 5 का, ठीक है, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या बन गया? 5। अब नंबर कौन सा बच गया? 6। 6 देखो, 2 3 6, 2 नंबर है, उसके बाद उसका सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हमने पिछले सम की उसका रिवर्स है ये बच्चे। तो 2 के साथ 3 पड़ा है, तो हमने आगे 2 लिख देना। लास्ट टू डिजिट का स्केयर रूट है 5। 6 को बच्चे इस तरह से लिखना है ताकि उसको उसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करो, जो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लिख देना। तो 625 का स्केयर रूट हो गया बच्चे 25। ओके जी बच्चे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 25, लास्ट टू डिजिट है बच्चे 25। 25 किसका स्केयर रूट होता है? 5। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या बन गया? 5। अब 20 को बच्चे हमने क्या लिख सकते हैं? 4 5 20, मतलब 4 पड़ा है उसके साथ उसका सक्सेसर है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 4। तो ये बन गया हमारा 45। अगर हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2025। इसी तरह बच्चे अपने दूसरे सम अपने आप ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई विल डू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।